हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र चौधरी। आप देख रहे हैं डीसी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को नीचे सब्सक्राइब करें, राइट साइड में लाल बटन और बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। आज मैं आपको ब्रेक टेस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्रेक की जो टेस्टिंग होती है वो 7 तरह की होती है। पहला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्टिंग, इफ्लुएंस टेस्टिंग और सेफ एंड साइड टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग, साउंडनेस टेस्टिंग और स्ट्रक्चर टेस्टिंग। वाटर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 5 ईंट सैंपल लेंगे, उसके पहले फ्रॉक को भरेंगे, फिल करेंगे 1-3 के मसाले से। फिर उसको हम मतलब क्यूलिंग टैंक में पानी में डालेंगे 24 घंटे के लिए। उसको निकाल के फिर सुखा के फिर उसको 6 mm की प्लाई ईंट की साइज के ऊपर नीचे लगा के कंप्रेसिव मशीन में दबा के कंप्रेस करके और उसको टेस्ट करेंगे तो हमारा किलो न्यूटन में वेट आएगा। किलो न्यूटन में वेट आएगा तो उसको हमें न्यूटन पर स्क्वायर में करने के लिए हमें उसको एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, ईंट की एरिया से। तो ईंट को एरिया के कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो आप 225 की ईंट है और 225 की लंबाई है और 110 उसकी चौड़ाई है, तो 225 × 110 तो और डिवाइड 1000 तो हमारा ईंट के एरिया निकल के आ जाएगा। तो किलो न्यूटन में जो हमारा स्ट्रेंथ निकल के आया है उसे हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो न्यूटन पर स्क्वायर में निकल के आ जाएगा। तो न्यूटन पर स्क्वायर में जैसे कि हमारा 10.5 न्यूटन पर स्क्वायर, इसका मतलब फर्स्ट क्लास है। 7.5 के करीब आ रहा है तो हमारा सेकेंड क्लास है। और 5.5 न्यूटन पर स्क्वायर निकल के आ गया है, इसका मतलब हमारा थर्ड क्लास है। तो हम स्ट्रेंथ के ऊपर ईंट की क्लास को ये करते हैं। फर्स्ट के लिए 10.5 न्यूटन पर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए और सेकेंड के लिए 7.5 न्यूटन पर स्क्वायर से कम नहीं, और थर्ड के लिए 5.5 न्यूटन पर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ। तो ऐसे ईंट की जो क्लास होती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड करते हैं। अब आपके वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या करेंगे, 3 ईंट लेंगे और तीनों को नंबर करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और उसको वेट करके पानी में डाल देंगे 24 घंटे। पानी में डालने के बाद फिर निकालेंगे, फिर उसको गीले ईंट को फिर वेट करेंगे और फिर वेट करके लिख के फिर उसको 110 डिग्री की टेम्परेचर में ओवन में डाल देंगे और उसको सूखने के लिए 12 घंटे के लिए डाल देंगे। और उसके बाद ओवन में से निकाल के फिर 1 नंबर की वेट के साथ 1 नंबर की ड्राई वेट को, सूखे वेट को माइनस कर लेंगे, फिर 2 नंबर के ईंट के साथ फिर 2 नंबर के ड्राई वेट को माइनस कर लेंगे, फिर 3 नंबर के ईंट के वेट के साथ फिर 3 नंबर के ड्राई वेट को, सूखे वेट को माइनस कर लेंगे और फिर ड्राई वेट से उसको जो निकल के आएगा उसको ड्राई वेट से भाग दे देंगे तो हमारा वाटर अब्जॉर्प्शन निकल के आ जाएगा। मतलब हमारे फर्स्ट क्लास ईंट के लिए 15% वाटर अब्जॉर्प्शन परमिसेबल है, मान्य है, और सेकेंड क्लास के लिए 20%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास के लिए 15% से ज़्यादा नहीं, सेकेंड क्लास के लिए 20% से ज़्यादा नहीं। ये हमारा वाटर अब्जॉर्प्शन हो गया। और हमारे मतलब इफ्लुएंसिस टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, ये है जैसे हमारी ईंट में कितनी नमक की साल्ट की मात्रा है, उसके लिए लवण कितना है, तो उस वो अगर ज़्यादा है तो क्या होता है, ब्रिक वर्क हम कर लेते हैं, दीवार हो जाता है तो हमारा झरने लगता है। तो इसका मतलब उस ईंट में जो हमने ब्रिक की चुनाई की है, ईंट की चुनाई की है, उसमें लवण ज़्यादा है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, ईंट को पानी में डाल देंगे, पानी में 12 घंटे डाल के उसको फिर हम निकाल लेंगे 24 घंटे डाल के फिर उसको निकाल लेंगे, फिर उसको हम कहीं छाँव में सीड के अंदर सुखाएंगे, और धूप में नहीं सुखाना है, उसको छाँव के अंदर सीड के अंदर सुखाना है। फिर उसको सुखाने के बाद उसमें हम देखेंगे जो कि उसमें उजला सा साल्ट सा कितनी मात्रा में है, मतलब उसमें साल्ट सा आ जाएगा निकल के। अगर फर्स्ट क्लास है तो उसमें आना नहीं चाहिए, सेकेंड क्लास है तो मिनिमम उसके लिए 10% माना गया है। अगर 10 से 25 तक है तो 10 से 25 तक मीडियम है, और 25 से 50 तक जो है वो ज़्यादा माना जाता है, तो मान्य नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हमारा ईंट की जो है वो सही नहीं है, परमिसेबल नहीं है, अगर ज़्यादा साल्ट है तो। तो ये इफ्लुएंसिस टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद सेफ एंड साइज, सेफ एंड साइज के लिए हम 20 ईंट लेंगे, 20 ईंट की लंबाई को नाप के फिर उसको प्लस करेंगे, फिर उसकी चौड़ाई को 20 ईंट के नाप के फिर प्लस करेंगे, फिर उसकी हाइट को नाप के फिर प्लस करेंगे। तो
तो 20 इंच की एक है कि नाप के प्लस करके लंबाई 4500 mm करीब 20 इंच की आएगा और चौड़ाई 2200 mm करीब आएगा और हाई ऊंचाई 1400 और मतलब फर्स्ट क्लास के लिए प्लस माइनस 3% है और सेकेंड क्लास के लिए प्लस माइनस 8% है। अब हमारा सेफ एंड साइज हो गया। अब हम हार्डनेस के लिए, तो हार्डनेस के लिए हम क्या करेंगे, कोई नोकीली चीज लेके ईंट के ऊपर घिस के देखेंगे, स्क्रेच करके देखेंगे और उसमें दब रहा है तो हमारा ईंट हार्ड नहीं है, सही नहीं है, तो वो सही ना है। अब साउंडनेस के लिए, साउंडनेस के लिए दो ईंट लेंगे आपस में बजाएंगे, अगर आवाज टन टन की आवाज आ रही है तो सही, अगर थप थप आ रही है तो वो सही ईंट नहीं है, टूट के जा रहा है तो सही नहीं है, ऐसे साउंडनेस चेक करते हैं। अब हमारा रह गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर टेस्टिंग के लिए आपको हमें मतलब ईंट की जो बनावट है कैसी है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो रुखरापन नहीं है, दाग मतलब खड्डे गड्ढे से होते हैं वो नहीं होनी चाहिए, साइज जो है प्रॉपर होनी चाहिए, जाला उला नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर टेस्टिंग में ये देखा जाता है, रुखरापन जो होते हैं वो नहीं होनी चाहिए, इस तरह की टेस्टिंग ईंट की होती है। और ईंट की जो साइज आपके पास कोई भी नहीं है तो आप ईंट के ऐसे हाथ से भी चेक कर सकते हो कि मजबूत कितना है, कंप्रेसिव मशीन है तो आप 1 मीटर की हाइट से उसको नीचे गिराओ, अगर टूट जा रहा है तो ईंट सही नहीं है, ऐसे भी हाथ से चेक कर सकते हैं ईंट की स्ट्रेंथ। इस तरह से हम ईंट की टेस्टिंग करते हैं। ईंट की जो स्टैंडर्ड साइज होती है 215, 230, 115 और 75, लेकिन साइडों पे आपके स्टैंड साइज 225, 110 और 70 के करीब मिलेगी। और इंच में ले लें तो 9 इंच, 4 इंच और 3 इंच, इस तरह की ईंट की साइज मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें।